नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी और मेरे साथ मेरी सहयोगी मेरी मित्र है डॉक्टर शीतल सावंत। बता अपने बारे में थोड़ा। मैं डॉक्टर शीतल सावंत, मैं दहिसर बम्बई में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 10 साल से, और HHF के साथ लॉकडाउन से जुड़ी हूँ। मेरी जो बुक लॉन्च हुई थी, गोइंग बैक टू द रूट्स, रिविजिटिंग फंडामेंटल्स ऑफ होम्योपैथी, तो लॉन्च होने के समय मैं यही सोच रही थी कि यार मेरी बुक को डिस्ट्रीब्यूशन में कौन मदद करेगा, मैं किसका नाम दूं कि लोग उनको कांटेक्ट करें और डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी मदद हो जाए। तो उस समय ये मुझसे जुड़ी हुई थी, क्लिनिक आती थी, तो इनने बोला कि मैं हूँ ना, तुम मेरा नाम दो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जिम्मेदारी अपने सिर खुद से लेना और उसको पूरी तरह से निभाना। ये सिर्फ एक महीने 2 महीने की बात नहीं है, इसको होके अब 2 साल हो चुके हैं और ये बखूबी चले जा रही है साथ में। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको धन्यवाद नहीं कहूँगी, क्योंकि मित्रता में कोई धन्यवाद नहीं होता है। तो आज ये हमारे साथ चाइना के कुछ लक्षण बताने वाली हैं, आपको कुछ केसेस बताने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं इनसे ही। आप एक केस बताओ शीतल। मैं डॉक्टर सुनील गोडके इनका केस बताऊंगी, जिसमें कि चाइना का जो टॉर्मेंट है, एम्बिटर्डनेस है, वो दिखता है। एक केस है जिसमें कि एक मोमेडियन वर्कर 35-40 एज का, जिसको कि रिकरेंट कोराइजा की तकलीफ है। तो वो डॉक्टर सुनील गोडके इनके पास आते हैं और वो कहता है कि मुझे रिकरेंट कोराइजा है ऑलमोस्ट 8 साल से। तो बहुत सारे डॉक्टर्स कर लिए, बहुत सारा दवा खा लिया, बहुत सारे नेजल स्प्रेज हो चुके, लेकिन कुछ फायदा नहीं। तो उसने ये तक की कहा कि मैं 10 रुपए के डॉक्टर से लेके बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो उन्होंने, सर ने पूछा कि तुम इतने डॉक्टर्स के ऊपर गुस्सा क्यों हो? तो उसने कहा कि देखिए, हम गैरेज में काम करते हैं, हम गाड़ी देखते हैं, उसमें जो फॉल्ट है वो ओनर को बताते हैं, उस हिसाब से उसमें दुरुस्ती होती है। वैसे कोई डॉक्टर मेरे बारे में डायग्नोस क्यों नहीं कर पा रहा है, मुझे क्यों हो रहा है ये सब? तो इस पे रूब्रिक्स लिए थे, डेल्यूजन टॉर्मेंटेड हीज, डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड, एंड रीडिंग डिजायर टू बी रेड, कि उसको जो तकलीफ हो रही है वो सामने वाला डॉक्टर पढ़ के वो उस पे उसको सही से दबा दे ऐसे। तो ये केस में जैसे हमने देखा कि उसको लगता है कि इतना सब डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको ये सवाल क्यों आते हैं, चाइना को ये दिक्कत, इसको ऐसा थिंकिंग ऐसी क्यों है, इसको लगता है डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज़ या फिर रीडिंग डिजायर टू बी रेड। ये हमने सीखा था डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर से। पहली बार जब हमने चाइना को सीखा, इतने क्लोजली देखा ना, इतने अच्छे से उनने एक केस प्रेजेंट किया था कि जिसमें एक बंदा होता है और वो अपनी तकलीफ से जूझ रहा होता है, लेकिन सर का जो एक मैग्नेटिज्म, मेस्मेरिज्म, एक उनका चार्म ऐसा था कि वो किसी भी तरह के इंसान से उसके हिसाब से बात कर सकते थे। तो उसका केस उनने इतना लंबा चलाया, कुछ वो बताए 1-1.5 घंटे का केस था, 45 मिनट्स तक हमने उसको सुना, और वो जिस तरह की बातें कर रहा था कि उसको क्या क्या चीज़ों का शौक है। तो ये लोग जो होते हैं, तो हमने सर से सीखा था। फिर डॉक्टर शिल्पा का एक बार केस मैंने नैनीताल में सुना था, तो वहाँ उन्हें नक्सोमिक और चाइना का डिफ्रेंसिएशन बताया। फिर डॉक्टर कृष्ण कुमार डिंडे का सर केस सुना है, और डॉक्टर सुनील गोडके के केसेस देखे। तो इन सब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मुझे चाइना सीखने में। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस और कुछ मेरे अंडरस्टैंडिंग्स ये रेमेडी को लेके प्रस्तुत करती हूँ
कि ये लोग कैसे होते हैं, इनके अंदर ऐसी थॉट क्यों आती है कि इनके साथ गलत हो रहा है, या इनको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है। वो खुद को समझते हैं लेकिन सामने वाले लोग उनको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग है ना बहुत डीपली सोचने वाले, बहुत डीपली चीज़ों को समझने वाले इंसान होते हैं, सेंसिटिव। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उनकी जो रुचि होती है एकदम उत्तम रुचि के लोग होते हैं। अगर आप इनके क्रेविंग्स, इनके डिज़ायर्स देखोगे, डिज़ायर फॉर स्वीट्स, डिज़ायर फॉर हाईली सीजन फूड्स, तो वैसे ही जैसे फिजिकल जेंडरल्स होते हैं वो पूरी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं एक्चुअली। तो इनके अंदर जो इच्छाएं होती हैं, जो अभिलाषाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, वो बहुत उत्तम रुचि की होती हैं, बहुत अंदर की बातें होती हैं, उनकी गहराइयों की बातें होती हैं। तो इसके अंदर इतनी प्रतिभा होती है, इतनी कलाकारी होती है, चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो इनको क्या लगता है, जैसे उनके कंपनी, उनके जो हम बोलते हैं ना लाइकनेस के लोग, जैसे मुझे अगर होम्योपैथी का शौक है तो मेरे पास शीतल कैसे अट्रैक्ट हुई ना, क्योंकि उसको भी होम्योपैथी का शौक है। तो ऐसे ही हम लाइक माइंडेड लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसके जैसे लोग जब उसको मिलते हैं तो उनमें लोक्वेसिटी में स्पीचेस वर्सेस एक्सिलरेशन वाइवेसिटी सब कुछ आ जाता है। उसमें एक गॉरमेंट होता है, उसको रिचनेस का टेस्ट पता होता है, उसको पता होता है कि कैसी रिच चीज़ें होती हैं, उनको कैसे वो खूबी उनको एंजॉय करता है, रिलिश करता है, और फिर सुंदरता की परख बहुत अच्छी होती है। ब्यूटीफुल थिंग्स हाइटेंड अवेयरनेस फॉर, इतनी सुंदरता की परख होती है उसको कि वो हर चीज़ में सुंदरता ढूंढता है। मतलब वो उसका पॉजिटिव साइड होता है जहाँ वो चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता है अपनी लाइफ की। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है ना कि वो अप्रिसिएशन टुवर्ड्स लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी में हम चीज़ों को जैसे उनकी तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ करना क्यों घटने लगता है, उसको ऐसा क्यों लगने लगता है कि डॉक्टर आज मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं, मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, ऑल दो सब कुछ मैं दे रहा हूँ उनको लेकिन मुझे रास्ता नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे उसकी नेगेटिविटी सेट होने लगती है। कब होती है ना चाइना की ये दिक्कत कब आती है? तो हम और एक केस सुनते हैं डॉक्टर शीतल से और फिर हम आगे जाते हैं। ये केस किसका है शीतल? डॉक्टर अमर मराठे, इन्होंने हाँ, फेसबुक पे ये केस डाल दिया। डॉक्टर अमर है ना, सॉरी, वो जलगांव के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और जब हम जाते थे राव सर के पास तो ये वहाँ से आते थे, जलगांव से आए हुए थे सर के अंडर, राव सर के अंदर सीखने के लिए। तो बहुत ही स्वीट बंदा है ये, उनका केस है, सुनिए ज़रा। ओके, तो एक 69 ईयर्स की फीमेल है, तो उसको एलर्जी की तकलीफ है और पूरे बॉडी पे इचिंग होती है और अर्थराइटिस है। ऑलमोस्ट 30 साल से, 30 साल से ये चीज़ों को झेल रही है। उसने बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी सारे आयुर्वेदिक मेडिसिंस किए, होम्योपैथ्स तक हो गए। तो वो इतने सारे मेडिसिंस उसने किए हैं, फिर भी उसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आया। तो अब जब वो सर से बात कर रही थी, तो वो फेसबुक पे ऑडियो है उसका, बहुत अच्छी केस है। तो उसने उसके वो बोलने से ही पता चलता है वो कितनी एजिटेटेड हो चुकी है, कितनी इरिटेट हो चुकी है वो सारी तकलीफ से। तो उसने बोला कि अभी इतने इतना मैं ये हो चुकी हूँ ना, इतनी दहशत है, अब मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं है। किसी का फ़ोन आता तो मैं वो रिसीव नहीं करती हूँ, मैं पहले रीडिंग करती थी, अभी मैं रीड भी नहीं करती हूँ, यानी किसी से कनेक्शन नहीं है, इतना वो डिस्पेयर में चली गई है। तो सर ने जब उनकी जीवन श्रेणी के बारे में पूछा कि जैसे आपके साथ कौन रहता है, तो उसने कहा मेरे साथ कोई नहीं है। तो सर ने पूछा कि क्यों, कोई तो रहेगा? तो बोलती नहीं, मेरे हस्बैंड गुजर गए, मेरी बेटी कैंसर से गुजर गई कुछ साल पहले, मेरा बेटा था बहुत ही हुनर बच्चा था, वो ट्रेन एक्सीडेंट में चला गया, और ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। वो बहुत ही कम उम्र में भी उसकी शादी हुई थी, और उसके साथ बाद भी उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था क्योंकि हस्बैंड कमाता नहीं था। तो उसने खेती बाड़ी की, फिर अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया,
बम्बई में आके टीचर की नौकरी की, इतना सब उसने स्ट्रगल किया था। तो ये सब चीज़ों को लेके सर ने लिया था डेल्यूजन टॉर्मेंटेड, वो जो इचिंग की दहशत है, और डेल्यूजन अनफॉर्चुनेट शी इज, उस पर ये दो सिर्फ रूब्रिक्स पे उन्होंने चाइना प्रिस्क्राइब किया था उसका। तो अगर आप ये केस के थ्रू अगर समझेंगे तो क्या हो रहा है ना चाइना में, जो उसकी इतनी तीव्रता रहती है जिंदगी के मज़े लेने की, खुश रहने की, और किसी चीज़ में इतना डूब जाने की कि हम उसमें ही मस्त रहें, मगन रहें, तो लेकिन जब ये इच्छाएं फुलफिल नहीं होती हैं तब जाके चाइना का नेगेटिव साइड शुरू हो जाता है। तब उसको लगता है यार लाइफ बेकार है, इसके जो भी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम को लेके उसको बहुत गुस्सा आने लगती है। जैसे कि एक लड़की की शादी हुई है ना, शादी होती है तो हम जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमको सपोर्ट मिलेगा, हमको हम होम्योपैथी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे घर वाले हमारा सहयोग करेंगे, या फिर कोई लड़की होगी, जैसे हम तो बहुत सीधी सादी लड़की लग रहे हैं कि ऐसे भी होते हैं लोग कि जिनको एक्चुअली मज़े लेने हैं यार लाइफ में, ना चिल करना है एकदम, जिसको दोस्तों के साथ घूमना है फिरना है, और जो मतलब जो भी करना चाहे, किसी को होता है माउंटेनियरिंग पे जाएं, किसी को होता है कि हम भागते रहें, किसी को होता है कि हम पार्टीज करें खूब सारी। तो अगर कहीं पे भी उसके रुचि के अनुसार, उसके तीव्र इच्छाओं के अनुसार अगर उसको सहयोग नहीं मिल रहा है या उसको कोई नहीं समझ रहा है, वहाँ से ये नेगेटिविटी स्टार्ट होने लगती है। तो हो सकता है जैसे एक केस था कि जिसमें लड़की की जल्दी शादी हो गई, डॉक्टर के वाई डिंडे का सर का केस था वो, कि जहाँ लड़की की शादी जल्दी हो गई 20-22 साल में कुछ, और फिर बाद में शादी होने के बाद उसको लगा ना कि अभी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो उसको सहयोग ही नहीं मिला, उसको उल्टा मार पीट करके उसके ऊपर डिवोर्स केस हो गया और वो 10-11 साल उसके केस लड़ने में ही चले गए। तो ऐसा कुछ अनोखा हो जाता है कि जिसमें कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लाइफ एक भार बन के रह जाती है, ज़िंदगी ऐसी भार बन जाती है कि यार इसको हटाओ तो मैं आगे कुछ ऐसा करूं जो मैं एक्चुअली करना चाहती थी। तो जब जीवन ऐसा भार बनने लगती है ना, जैसे एक और केस था, जैसे कि हम औरतें हैं, हम ना बहुत अपने आप को खूबसूरत समझना चाहती हैं, या हम चाहती हैं कि हमारे पति हमको दिन और रात तारीफ करे ना। तो वैसे ही एक औरत अप्रिशिएट करे, हाँ अरे अरे वाह तो अच्छी चमक रही है ना। तो ऐसा हम अपने पतियों से चाहते हैं। तो ऐसे ही एक औरत का केस था, उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन बना रहता था। तो उसने मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट किया था, तो मैं बोलती थी यार उसको इतना पेन, और उसने एलोपैथी की सारी दवाइयाँ, गायनेकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट सब कुछ कर लिया, सालों से चल रहा था जो कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। तो फिर उसने मुझे कहीं से संपर्क होके फ़ोन किया, तो मैंने केस लिया उसका, और उसमें पता चला कि ना वो 5 भाइयों में सबसे छोटी बहन है। तो वो समझ के कि पहले, और ये क्रॉनिक पेल्विक पेन उसका मतलब शादी हुई तब से बना हुआ है और बहुत और भी तकलीफें हैं। तो मैंने बोला शादी होने के बाद क्या ऐसा चेंज आया, तो इसीलिए मैंने पता किया था कि पहले की लाइफ कैसी थी अब कैसी है। तो पता चला कि ना 5 भाइयों की इकलौती बहन है, फिर यहाँ आई तो ससुराल का भार, बहुत सारे काम, ये वो था। तो मैंने उसको पल्सिटिला दिया था कि उसको कैरी डेजर्ट भी स्लो कैरेज ना पैम्पर होके लाड़ प्यार चाव में रहना चाहती, लेकिन पल्सिटिला से उसको आराम ज़रूर आया पर वो बहुत लंबा आराम नहीं आ पाया। तो फिर एक दिन मैंने उसको बोला कि एक काम करते हैं, चल हम लोग वीडियो कॉल करते हैं। तो वीडियो कॉल में देखा यार शीतल, शी वाज सो प्रिटी सो प्रिटी। तो मैंने बोला यार तू तो कितनी सुंदर है, इतनी मस्त चमकी चमकी बिंदी लगाई थी और चमकी बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी और इतने बड़े बड़े झुमके थे और घुंघराले बाल। मैं बोली यार तो कितनी सुंदर ना, तो तेरा पति तो कितना लक्की होएगा। तो मैंने पूछा तेरा पति तो बहुत लक्की है, तो बोली कि पति का तो पता नहीं, हाँ आपको थैंक यू बोलती हूँ। बोला देखिए कितनी चक्की हुई है, लेकिन मैंने बोला क्यों पति का पता नहीं। तो फिर पता चला कि उसकी शादी को भी काफ़ी समय हो गया,
8 साल तक उनको बच्चा नहीं हुआ। IVF से उसके दो ट्विंस हुए हैं, मतलब एक जोड़ी ट्विंस हुए हैं, दो लड़के हैं। अच्छा। और उसके बाद भी वो बच्चे, वो लड़के भी अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं, 7-8 साल के हो गए हैं, तो उसकी सेक्सुअल लाइफ लेकिन ज़ीरो है, पति का कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। आज वो आई हुई है अपने भाइयों के घर में, जो वो सबसे बड़ा भाई है, तो उसका जो देख रेख है, उसके जो खर्चे, उसका जो पहनावा, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो सब उसके भाई पूरा करते हैं। उसका पति एक बिजनेस फेलियर के थ्रू गया था, उसकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई, तो उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, मॉनिटरीली भी कंट्रीब्यूशन नहीं, फिजिकली भी कंट्रीब्यूशन नहीं। और उसका थोड़ा बहुत जो बच्चों का खर्चा है, स्कूल वगैरह का, वो उसके ससुर चलाते हैं घर उसका, तो ऐसी हालत है। और अभी वो सजी धजी इसलिए दिख रही है क्योंकि वो भाई के घर वेकेशन मनाने आई है। तो वहाँ पे जाके केस खुला और तब मुझे समझ आया कि इसका चिड़चिड़ापन, इसका गुस्सा और इसका दर्द क्या है। तो चाइना इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग में क्यों रहता है ना, क्योंकि उसका दर्द कोई नहीं समझता। इरिटेशन कब आता है ना, कि जब कोई सुनने वाला नहीं, सुनने वाला है तो समझने वाला नहीं, इसीलिए वो उनको बोलते हैं जाओ यहाँ से, मत प्यार करो मुझसे, छुओ भी मत मुझे। क्यों नहीं छुओ, तुझे ज़रूरत है प्यार की। मोहंती सर का आप चाइना का वीडियो ज़रूर सुनिए, इतना प्यारा उनने बताया है उसमें कि वो कैरेसिंग की ज़रूरत है ना उसको, उसके अंदर वो कमज़ोरी आ रही है, उसके अंदर वो वीकनेस आ रही है, वो हेमरेज, वो लॉस ऑफ फ्लूइड, वो दिख रहा है कि हाँ ये कमज़ोर पड़ रहा है बंदा, इसीलिए तो उसको कैरेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि उसको ज़रूरत दिखती है घर वालों को, जैसे वो डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर को, वो डॉक्टर का हस्बैंड है, अभी उसको क्या पता कि इसको कैमरामैन बनना है, अभी उसको पता है वाइफ को, लेकिन वो अपनी ड्यूटी निभाने में लगता है। मॉरल्स इतने स्ट्रांग होते हैं चाइना में ना, कि उसको लगता है कि नहीं, माँ बाप अगर मुझे मुझसे चाहते हैं कि मैं ये करूँ, तो वो ही करने लगता है कि ठीक है इंजीनियरिंग कर ली तो सर्विस करना है, और सर्विस कर ली तो वो निभानी है, कमाई घर चलाना है। लेकिन उसकी जो अंदर की इच्छा थी कि मैं ना बचपन से कैमरामैन बनूं, तो वो मंडे टू फ्राइडे जॉब करता है, सैटरडे संडे जाता है अपने शूट्स करता है, एग्जिबिशंस करता है, और वो उसको फीवर ही नहीं जा रहा था। फीवर ना जाने का कारण जब पूछा तब ये पता चला कि अंदर की बात तो ये है। तो यहाँ पे उनको लगता है टॉर्मेंटेड, यहाँ पे लगता है उनको हिंडर्ड बाय एवरीवन, कि सब मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हैं, सब उसके उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे हो सकता है वो एम्बिशन हो सकता है कोई और डायरेक्शन की इच्छाएं हो जो नहीं पूरी हो पा रही हैं, और सब उसको लगता है कि सब मेरे बीच में आ रहे हैं, सब मुझे रोक रहे हैं और मेरा रास्ता मुश्किल बना रहे हैं। फिर भी वो स्ट्रगल करता है लेकिन एग्जॉशन हो जाता है, एग्जॉशन हो जाता है, उसकी उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है, जो गति उसके सोचने की है, उतनी क्षमता उसकी बॉडी की नहीं है, उसका शरीर इसीलिए कमजोर पड़ने लगता है, और वहां से ये सारी नेगेटिविटी आती है। और फिर उसको लगता है कि अभी कोई भी चीज़ उसको आकर्षित नहीं करती, किसी की भी वैल्यू उसको नहीं लगती, तो ये चाइना का डाउनफॉल हो जाता है। और वहाँ पे उसको लगता है कि अब मुझे किसी से बात भी नहीं करनी है, वो किसी से बोलना भी नहीं चाहता, एक्सप्रेस भी नहीं करना चाहता। ऑल दो उसके अंदर सब रहता है, पर वो अपने में क्लोज होके रह जाता है, डार्क प्लेसेस में छुप जाता है। जैसे वो मूवी देखी थी रॉकस्टार, यस, है ना, उसमें जो नरगिस फकरी का जो रोल था, right. तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें ना उसको कैंसर हो जाता है लास्ट में, ब्लड कैंसर। तो वो इतना घूमना फिरना चाहती है, उसको हर टाइप की मूवीज देखनी है और सब मस्ती करनी है। उसके शादी के पहले भी वो घूमने जाती है उसके साथ में, लेकिन वो खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है बहुत फॉर्मल टाइप का है, बहुत सीरियस टाइप का है, उसको वैसे वाली मस्ती नहीं मिलती है, और इसके वजह से वो फिर से इसको चुनती है और इसके साथ ही घूमती है रणबीर कपूर के साथ में। तो वो जो स्टेट आता है ना, कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे अपने अंदर, वो दबाते नहीं हैं, वो पूरी करते हैं, और मॉरल्स को भी पकड़ के दोनों लाइन चलते हैं उनके, इसीलिए जो एनर्जी जहाँ लगनी चाहिए फोकस्ड एनर्जी नहीं होती है, इसीलिए वहाँ हिंडर 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 फील होता है, टॉर्मेंट इतना फील होता है।
और ये टॉर्मेंट अंदर ही रह जाता है क्योंकि वो कोई समझने वाला नहीं है उसके टॉर्मेंट को। तो ये जो सोच होती है ना उनकी, वो सोच उनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि सामने वाले तक वो पहुंचती नहीं है, इसीलिए इसका टॉर्मेंट अंदर रह जाता है और लाइसिन का बाहर झलक झलक के निकलता है। जहाँ पे ये सुसाइडल पहले नहीं हिम्मत होती है, लेकिन अब उसको लगता है कि अब जिंदगी ख़त्म करो भी, और इनेस फ्रॉम केयर्स ना कर करके भी कितना करे, जो एक्सपेक्ट किया था कि एक फैमिली रहेगी, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा लाइफ में ना जो हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा, लेकिन वो नहीं होता, तो वो निराशा, वो जो सैडनेस, वो जो मायूसी आ जाती है और एकदम रूखापन आ जाता है ज़िंदगी में। तो ये चाइना की पूरी फुल फ्लैग जर्नी होती है, और आई होप ये आपको पसंद आए और आप इसको ज़रूर अप्लाई करें आपके क्लिनिक्स में। इसी आशा के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय। और हमारा डायनामिक सेमिनार आ रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें जो हम पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, हम आपको पैथोलॉजिकल लेवल के केसेस दिखाएंगे, नए रेमेडीज़ भी दिखाएंगे, उससे आपकी ग्रोथ निश्चित है। तो आप ज़रूर आइए और HHF का सेमिनार को एक्सपीरियंस करिए लाइव। और अभी मोहंती सर का ट्रिब्यूट वेबिनार आ रहा है उनके बर्थडे के ओकेजन पे, वो ज़रूर अटेंड करिए। बाय बाय।